सबको प्रणाम नमस्ते। आप सबका भाई सिंगर सौरभ चंद्रवंशी। और आज हमारे आरबी स्टूडियो में बहुत सारे भक्ति सॉन्ग का रिकॉर्डिंग हुआ है। लगभग 5-6 गाना भक्ति गाना शूट हुआ है, 8-9 गीत है। तो सारे सॉन्ग आप लोग को देखने को मिलेंगे अलग अलग कंपनियों के माध्यम से। आप लोग जिस तरह भाई को प्यार देते हैं, उसी तरह हमारे एक भाई का भी चैनल है जिसका नाम सांवरिया म्यूजिक है। तो आप सभी उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे हमारे गाने को प्यार देते हैं वैसे उस चैनल को भी प्यार दीजिए। लाइक शेयर कमेंट दबा के कीजिए। अभी तक कितना गाना गा चुके हैं सौरभ जी? आप गाना तो ऐसे बहुत गा चुके हैं, फिर भी लगभग 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 150 गाना मार्केट में आप गा चुके हैं जी। ओ चलिए, किन किन कंपनियों से आपका गाना आया है? अभी तक बड़ा कंपनी से एक ही से आया है, संजीवनी से, और बाकी सब छोटे कंपनी से आए हैं, सौरभ फिल्म से आए हैं। अच्छा, सौरभ फिल्म से भी आपका गाना आया है, संजीवनी से भी आया है जी। अभी तक का आपका सबसे बड़ा और स्वीट गाना कौन सा रहा है? दो रहा है। कौन सा? एक नथिया पहला बिहार, जो टिकटॉक से लेके वो ट्रेंड किया था टिकटॉक और स्नेक पर, जो अभी वो ऐप बंद हो चुका है जी। और फिर यादव जी की टोली मेरा किया था, यादव जी का टोली, वो आप ही का गाना था जी। दो अभी कितना आप देवी गाना रिकॉर्डिंग कर चुके हैं? 6 गाना देवी गाना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जी। कर चुके हैं? अच्छा, कर चुके हैं। वही किन कंपनियों से आ रहा है आपका गाना? 3 सरो फिल्म से है, एक एंगल से है, और एक अच्छा एंगल कंपनी से भी आ रहा है जी। और चलिए, मैं चाहूँगा कि जो लोग आपको लाइव देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जितने भी हमारे लाइव को देख रहे हैं, जिस तरह भाई को प्यार देते हैं, उसी तरह हमारे सांवरिया म्यूजिक हमारे भाई का चैनल है। सारे लोग चैनल को प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और खूब लाइक और कमेंट और शेयर कीजिए। चलिए, लोग आपसे चाहेंगे कि जो आपका गाना अभी तक सुपर हिट रहा मार्केट में, वो गाना थोड़ा गुनगुना दीजिए लोगों के लिए। अच्छा। अर नथिया तोर बरामत भैलौ जादव जी के टोली में, ये गाना बहुत ही मतलब अच्छा बजा था। अच्छा, वैसे भी यादव जी के गाना आता है तो लोग ट्रेंडिंग कर देते हैं उस गाने को। सही बात है। अभी जैसे कि अभी खेसारी लाल, टुनटुन यादव जी, ऐसे ऐसे है ना जी। तो अभी देवी गीत में कोई आप लोगों को सुनाना चाहेंगे जो आ रहा मार्केट में? कि बाड़ू कन्हैया भुलाई बूता खोजे पड़ी, और हरी हर गंज में लागल बा भीड़ बड़ी। क्या बात है, बहुत ही अच्छा सॉन्ग आ रहा है एंगल म्यूजिक से। ओ, और ये आप जिस स्टूडियो में बैठे, ये स्टूडियो आपका, ये स्टूडियो के बारे में बताएंगे जरा? ये स्टूडियो मेरा मतलब लाइफ का 2 साल हो गया है, 2 साल से मेरा यहीं से काम होता है रेगुलर। अच्छा, ये स्टूडियो का एड्रेस? इस आरबी स्टूडियो डेहरी ऑन सोन। अच्छा, डेहरी ऑन सोन। कुछ खास रिश्ता है इस स्टूडियो से मेरा। ओ, यहाँ हमारे डायरेक्टर राकेश बाबू यादव जी हैं। ओ, डायरेक्टर बहुत ही तगड़ा काम करते हैं। चलिए, चलते चलते मैं चाहूँगा कि आप एक अपने जो दिल के करीब आपका जो गाना है, जो जिस गाना को आप प्यार करते हो और जिस गाना को आपको उस गाने से बहुत लगाव हो, वो गाना मैं चाहूँगा कि आप सुनाइए लोगों को। वो गाना तो भैया छठ का है, पवन सिंह का गाना से बहुत प्यार है मुझे। कोई सैड सॉन्ग वगैरह? सैड सॉन्ग वगैरह नहीं, पवन सिंह का छठ गीत ज़्यादा सुनते हैं। अच्छा, अभी छठ आने वाला है ना? अब सीजन आ गया है, छठ का रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, माहौल बन गया है छठ का। तो चलिए सुनाइए लोगों को। अर छठी माई के घटावा पया जन बाजन, अरे बाजा बजावा गोदिया में होई हे बलक बात, कोसी भरे आई बहो। तीन दिन से फीवर और खांसी हो गया, तो गला से आवाज नहीं। चलिए कोई बात नहीं, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए नमस्कार।